तो गाइस ये मेरा घर है। सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब 11:15 हो चुके हैं। ये सुबह का समय है, तो यहाँ पर सोनी सोती है, यहाँ पर मैं सोता हूँ, क्योंकि हम एक बेड पे सो नहीं सकते। वैसे हमारे पास दूसरा कमरा है, तो उसमें हूना डर के कारण सोता नहीं। अकेले अकेले नहीं सोते, हम एक ही कमरे में सोते हैं। तो गाइज़, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं, तो ये मेरा घर है, तो ये अभी तक हम सोए हैं। तो ये हमारी रोज़ की डेली की दिनचर्या है। डेली हम यही करते हैं, मतलब 11 बजे उठना और वीडियोस बनाना और बस। तो 11 बजे उठ के अब 2-2:30 बजे तक तैयार रेडी रूडी होंगे, फिर वीडियो शूट करेंगे, बस फिर खाएंगे पिएंगे सोएंगे। बस इतनी कर हमारी ज़िंदगी है। तो बाकी ये हुनर पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, हगेंगे या पगेंगे वो नहीं मेरे को पता। ये टैब लेकर बैठा हुआ और ज़िंदगी के असली नज़ारे ये ले रहा हुनर। जब तो इसका सुकून नहीं होता, तब ये ऐसे पूरा दिन टैब टूब खेल के अपना टाइम पास कर लेता है, या बच्चों के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसकी माँ अपनी माँ के साथ लगी हुई है पोल बड़े हरामी हो बेटा। फोन के ऊपर। ये देखो, ये अब 11 बजे हमारे घर में ब्रेड तले जा रहे हैं अभी, तो नाश्ते का कोई पता नहीं। तो ये है सोनी। तो मतलब एक औरत का काम होता है सुबह जल्दी उठ के तैयार श्यार होकर काम करना। तो ये बस, ये औरत ऐसी है कि इसको मैं उठाता हूँ सुबह, वो भी 11 बजे। उठ जा भाई, चाय चूहे पीनी है। तो गाइज ये है हमारी ज़िंदगी बस। ये हमारी जिंदगी है, बहुत बढ़िया वाली। तो 11 बजे हमारा उठना है, खाना पीना। तो फिर अब 11 बजे के बाद, मतलब 2-2:30 बजे हम वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये ज़िंदगी के लिए पहले 1.5 साल पूरी मेहनत करी है, 1.5-2 साल मेहनत करी है, तब जाकर ये 1.5-2 साल तो यूट्यूब फेसबुक के ऊपर मेहनत करी है, पर असल में पूरे 8-10 साल हमने मतलब बड़ी दिक्कत में गुजारे हैं। तो भाई तब जाकर ये आराम वाली ज़िंदगी हमें मिली है, वो भी ये हमारे बाबे नानक की वजह से। तो मेरा विश्वास पूरा अपने बाबा जी के ऊपर। तो ये मतलब हम फोटो में नहीं मानते, इसी करके हमने ये श्लोक भी लगाया हुआ, ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का कार, दुख लगे ना पाई, सतगुरु पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई रहाओ, राख लिए तिन राखन हारे, सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ भये सहाई। सो गाइज, ये जो सा श्लोक है, इस श्लोक का मतलब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में मतलब समझाता हूँ। इसका ये मतलब कि हमें ताती तत्ती मतलब गर्म हवा भी ना लगने दें भगवान, तो आपके आगे हमारी ये प्रार्थना है। तो भगवान तब हमारी सुनते हैं जब हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास नहीं, सिर्फ विश्वास भगवान के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर नहीं। गाइज, अब चाय रेडी हो चुकी है और हुनर चाय के साथ बिस्किट खा रहा है, टेबल पर बैठ के कोकोनट बिस्किट, और सोनी चाय के साथ ब्रेड खा रही है। तो मेरे चाय और ब्रेड ये पड़े हैं, अभी मैं खाऊंगा। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि अभी हमने ब्रश भी नहीं करा, ब्रश हम कर लेते हैं सुबह उठ के, सुबह मतलब 10 बजे उठ के, सुबह नहीं, लोगों की तब तक दोपहर हो चुकी होती है, हमारी सुबह हो चुकी होती है। तो गाइस, यह हुनर खा रहा है बिस्किट। तो बताना कैसा लगा मेरा छोटा सा विलोम छोटी सी फैमिली का छोटा सा ब्लॉग। विलोम, तो बारिश हो रही है। सबसे मज़ेदार बात ये जो सा मेरे को मूड हुआ विलोम बनाने का, बाहर हो रही है बारिश, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा,
वैसे तो इसको पकोड़े बोले थे सोने को बनाने के लिए, तो आप हिसाब लगा लो जो उनसे 11 बजे उठ रही है तो वो पकोड़े कहाँ से बना के देगी, वो खुद पकोड़ा उसकी ज़िंदगी हुई पड़ी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। यह हुनर ने कच्छा पहनकर इधर उधर फेरियां लगा रहा है तो बाहर पता नहीं क्या करने जा रहा है, तो ये दरवाजा खोल कर आ गया, तो ये गिलास उठा लिया इसने। तो ये जो साहब, ये बात नहीं है कि ये सोचे कि ब्लॉक के चक्कर में मेरे को थप्पड़ नहीं लगेंगे या कुछ होगा नहीं, चांटे इसके लग जाएंगे जो ज्यादा मस्ती करेगा। दरवाजा बंद कर गया बाहर, मक्खियां अंदर आ जाएंगी, परेशान करेंगी, साड़ी नींद खराब करेंगी। तो इसकी माँ पूरी खुंद की नजरों से अपने बेटे को देख रही है सोनी। तो सोनी की मदर का नाम है भोली। A few moments later. So guys, कैसी लगी हमारी ज़िंदगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो बाकी आपको अपना पूरा घर भी दिखाऊंगा, अभी तो आपको एक कमरा ही दिखाया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा हमारा घर और हमारी ज़िंदगी के बारे में, जो सी मैंने छोटी सी आपको बात बताई, अभी तो बड़ी बातें हैं। कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, तो अपना लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।